राहुल गांधी एक लंबे अंतराल के बाद गुजरात के दाहोद में थे, आदिवासी अचल में थे। कांग्रेस में उत्साह था, लेकिन जिस तरह से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने हड़बड़ी दिखाई, उससे यह साफ हो गया है कि वो कितनी भी यात्राएं कर ले, उन्हें जमीनी अनुभव लेने में काफी समय लगेगा। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे हमारे पास ठोस तस्वीर है। पहले यह देखिए, पहली तस्वीर है कि शहर के स्वामी विवेकानंद चौक में राहुल गांधी को यात्रा को लेकर दाहोद जिला कांग्रेस समिति ने मंच बनाया था। गुजरात के सौराष्ट्र, जामनगर तथा अन्य जगहों से महिलाएं एवं पारंपरिक पहनावे में तैयार होकर रास गरबे खेल रही थी। जहां पहले कहा गया था कि राहुल गांधी का स्वागत समारोह होगा, वहीं पूर्व विधायक चंद्रिका बेन बारिया अपने आदिवासी पहनावे में सज्ज होकर राहुल गांधी के लिए टोकरी में कुछ लेकर आई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह टोकरी में राहुल गांधी का मामेरा लेकर आए हैं। उनके साथ आदिवासी अचल की महिलाएं हाथ में राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लिए सुबह से भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी। वहीं दूर दराज से आई महिलाएं भी उन्हें आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपवास के चलते भूखी प्यासी राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसके पीछे की वजह यह थी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा केक मंगवाया गया था। उपस्थित श्रोताओं को यह आशा थी कि राहुल गांधी उनके साथ गरबा खेलेंगे, केक काटेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, किंतु राहुल गांधी का रोड शो विवेकानंद चौक में तकरीबन 5 से 10 मिनट रुका। माइक में माइनॉरिटी सेल बार बार में अनाउंस कर रहा था कि राहुल गांधी मंच पर आए, लेकिन राहुल गांधी गाड़ी से नहीं उतरे, पहले से ही लेट चल रहे राहुल गांधी चुपचाप लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए। वैसे तो राहुल गांधी कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों के बीच में चले जाते हैं, लेकिन इस बार दाहोद में उनसे चूक हो गई। हालांकि बाद में गाड़ी पर ही केक मंगवा कर काटा गया, किंतु उपस्थित महिलाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद चौक तथा बिरसा मुंडा चौक होते हुए गोधरा के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को, जो कि युवाओं के लिए रोल मॉडल है, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी राहुल गांधी को युवा नेता मानते हैं, राहुल गांधी युवाओं से काफी लगाव रखते हैं, लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद की उपेक्षा की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी का काफिला भगवान बिरसा मुंडा चौक से गुजरा। आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करना तो ठीक, उन्होंने नमन कर आशीर्वाद लेना भी राहुल गांधी ने उचित नहीं समझा। इस विषय में क्या कहना है दाहोद के वरिष्ठ पत्रकार शीतल कोठारी का, सुनिए इस रिपोर्ट। राजनीति में एक बीजा सामे आक्षेप प्रति आक्षेप ये स्वाभाविक बाबत है। राहुल गांधी जी आज अपना अंतरियाल विस्तार में आया, तेमनो आनंद उमड़का थी आपणे स्वागत करिए, परंतु जोवाना अने चाववाना कांग्रेसना अलग छे ए वात आजे साबित थई चूकी छे। स्वामी विवेकानंद जी, कारण के आपे ज हमणा कह्युं एम, राहुल जी युवानोने खूब पसंद करे छे अने ज्यारे पण युवानो वच्चे संवाद करवानो होय त्यारे त्यां जाय छे, तो विवेकानंद जी पासे आवी अने तेमना आशीर्वाद न लेवा एक बहु मोटी वात छे। અને જે આદિવાસીના હિમાયતીની વાત કરે છે, હમણાં જ એમણે ભાજપ પર જુમલો કર્યો હતો કે રાષ્ટ્રપતિજીને રામ મંદિરમાં પ્રવેશ ન આપ્યો હોય આદિવાસી હતા એટલે, પણ આદિવાસીના ભગવાન બિરસા મુંડાજીને તેઓ નમન કરવાનું પણ એમણે ઔચિત્ય દાખવ્યું નથી, માલ્યાર્પણ ન કર્યું એ તો બરાબર છે, એટલે માત્ર આદિવાસીના હિમાયતોની વાતો કરી અત્યાર સુધી કદાચ કોંગ્રેસ એમણે છેતરતી આવી હશે, એટલે જ મારું એવું માનવું છે કે ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસ વિમુખ થતી જઈ રહી છે અને આદિવાસી સમાજ પણ હવે સમજી ચૂક્યો છે કે કદાચ કોંગ્રેસ હવે અમારો ઉદ્ધાર નહીં કરી શકે। તો કુલ મિલાકર વાત કરે તો રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા કે તહેત કાફી લંબે સમય કે અંતરાલ કે બાદ દાહોદ દોરે પર આયે થે, લેકિન ઇન 4-5 બિંદુઓ પર ઉનસે જો ચૂક હુઈ હે સાબિત કરતી હે કે વો અભી ભી જમીની અનુભવ કી કમી રખતે હે યા ફિર અનમેચ્યોર હે। वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल के आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। धन्यवाद।